हाय गाइस, आई एम सिमी, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम मैक्सिमम पानी पीने में बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से हम जो है बहुत सी बीमारियों को इनवाइट कर देते हैं। तो इन गलतियों को हम कैसे सुधार सकते हैं और अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, तो आज मैं आपसे यही शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि एंड में हम सभी डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले गाइस, जो मैक्सिमम जो हम लोग हैं जो गलती करते हैं, वो करते हैं कि जितना हमारी बॉडी को पानी चाहिए उतना हम एक दिन में पानी नहीं पीते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हमें कब्ज हो जाती है, पाचन क्रिया हमारी कमजोर हो जाती है, थकान महसूस होना शुरू हो जाती है, हमारे फेस पे जो है समय से पहले झुर्रियां आने शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम समय से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। एंड उसकी वजह से अगर हम पानी कम पीते हैं तो उसकी वजह से हमें मोटापे का सामना करना पड़ता है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है, सांस की प्रॉब्लम, गठिए की प्रॉब्लम हो जाती है, जोड़ों में जो है दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो कम पानी पीने की वजह से इन सब बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो गाइस, ये सभी को पता है कि हमें जो है हमारी बॉडी के लिए पानी कितना जरूरी है, लेकिन उसके बाद भी हम जो है प्रॉपर पानी नहीं पी पाते हैं। तो हमारी बॉडी जो है गाइस 70% जो है वाटर से बनी होती है। तो जो हमारी हड्डियां है गाइस, उनमें भी 31% जो है वाटर होता है। तो अगर हम पानी कम पिएंगे तो उन हड्डियों में भी जो है तरल पदार्थ की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जोड़ों में प्रॉब्लम, गठिया वगैरह की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो गाइस, हमें कभी भी जो है कम पानी नहीं पीना है, हमें दिन में जो 2 से 3 लीटर तक पानी पीना ही है, चाहे आप जेंट्स हो चाहे आप लेडीज हो, हर किसी से 2 से 3 लीटर तक पानी पीना ही पीना है। हाँ, अगर आप वर्कआउट ज्यादा कर रहे हो तो आप ज्यादा पानी पी सकते हो। तो इसके लिए आपको एक दिन में 8 से 10 गिलास पूरे दिन में पीने ही है। ठीक है जी। दूसरी गाइस, जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, मैक्सिमम हम देखो ये गलती करते हैं, हम खड़े होके पानी पीते हैं। गाइस, हमने क्या करना है, इस तरह बोतल लेनी है, खड़े होके हमने पूरी बोतल ऐसे पी जानी है एक बार में। ठीक है जी। तो इसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जब हम खड़े होके एक बार में ही बहुत ज्यादा पानी पी जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो किडनी होती है, गुर्दे होते हैं, उनमें से पानी छन के हमारी बॉडी में जाता है। लेकिन एकदम बहुत ज्यादा पानी पीने की वजह से आधा पानी जो है बिना छने ही हमारे नीचे बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से जो है हमें किडनी की प्रॉब्लम, गुर्दे की प्रॉब्लम, दिल की जितनी भी बीमारियां हैं, दिल की प्रॉब्लम एंड मूत्राशय की प्रॉब्लम भी इसी वजह से होती है, जब हम खड़े गले जो है बहुत ज्यादा एकदम पानी पी लेते हैं। तो हमें खड़े होके कभी भी पानी नहीं पीना है। जब भी हमने पानी पीना है, हमने बैठ के पानी पीना है। इस तरह आप गिलास लीजिए, किसी भी जगह आप बैठ जाइए, हमने जो घूंट घूंट करके पानी पीना है। ठीक है जी। आप इस तरह घूंट करके पानी पियोगे, हमने जो है पानी जब पीना है घूंट करके, तो उसको मुंह में घुमा के पीजिए आप। इससे क्या फायदा होता है गाइस, कि अगर आप मुंह में घुमा के पानी, पेट में जब जाता है तो जो हमारे मुंह में लार बनती है वो हमारे पेट में चली जाती है, जिसकी वजह से हमारा खाना जो है बहुत ही अच्छी तरह पचता है। तो हमें ऑलवेज बैठ के घूट घूट करके ही पानी पीना है, इसकी वजह से आपको जो कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। तीसरी गाइस, जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो करते हैं, ये तो गाइस सभी करते हैं, कि हम जो है खाना खाते टाइम पानी पीते हैं। जब हम खाना खा रहे हैं और तब भी पानी पीते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद भी पानी पीते हैं। तो खाना खाते टाइम और खाना खाने के तुरंत बाद ही पानी पीने से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं। इसकी वजह से जो मेन होता है, हमारा खाना नहीं पचता है, पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है एंड हमारे जो है गैस्ट्रिक बनना शुरू हो जाएगी, पेट और सीने में जलन रहना शुरू हो जाती है। तो हमें कभी भी गाइस खाना खाते टाइम पानी नहीं पीना है, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना है और खाना खाने के बाद आधा घंटा, एक घंटे बाद ही पानी पीना है। ठीक है जी। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें जो बहुत सी बीमारियों से
राहत मिलेगी। अब बात आती है गाइस कि हमें जो प्रॉपर वे से पूरा दिन पानी कैसे पीना है, हमें कैसे प्रॉपर वे से पूरा दिन पानी पीना है, जो 8 से 10 गिलास हमने पीने हैं वो सही तरीका क्या है पानी पीने का। तो सबसे पहले गाइस, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं हमने बिना कुल्ला किए ही 2 गिलास पानी पीना है। तो जब जो हमने 2 गिलास पानी पीना है, कभी भी गाइस हमें ठंडा पानी नहीं पीना है, फ्रिज का पानी तो कभी भी नहीं पीना है, हमें जो है सुबह हल्का सा गर्म पानी करके ही पीना है। गर्म पानी पीने के गाइस बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अगर हम गर्म पानी पीते हैं सुबह उठ के, तो उसकी वजह से एक तो हमारा पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा एंड दूसरी हमारी पाचन क्रिया बहुत अच्छी हो जाती है, हमें गैस्ट्रिक वगैरह नहीं बनती है एंड ये जो गर्म पानी है हमारी बॉडी में चर्बी को नहीं बनने देता, जिसकी वजह से हमें मोटापा भी नहीं होता है। वह गाइस, गर्म पानी पीने से जो है हमारा खून बिल्कुल साफ रहेगा, कोई गंदगी नहीं होती है खून में एंड हमारा चेहरा जो है चमकना शुरू हो जाता है, चेहरे पे एक नूर आ जाता है। तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो भी बिल्कुल सही हो जाता है, हमें कोई थकान महसूस नहीं होती है, पूरा दिन हम एकदम फ्रेश रहते हैं, पेट बिल्कुल साफ रहता है, कब्ज भी नहीं होती है और मासिक धर्म की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो हमें जो है सुबह उठ के 2 गिलास गर्म पानी पीने के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है, हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। उसके बाद गाइस, जो हमें जो है खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले आप जो है 2 गिलास पानी पियोगे और खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पीना है। इस तरह आप जो है 1-1 घंटे के अंतराल में 1-1 गिलास पानी पीने का रूटीन बना लीजिए एंड रात को सोने से पहले आपको जो है आधा गिलास पीना है, रात को सोने से पहले आधा गिलास पानी पीना है। अगर हम सोने से पहले आधा गिलास पानी पीते हैं तो उसकी वजह से हमें दिल का दौरा, जो दिल की प्रॉब्लम होती है, दिल के आजकल देखो कितने ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है हार्ट अटैक की, तो वो नहीं होता है। ठीक है गाइस, तो हमें जो इस तरह जो प्रॉपर वे से 8 से 10 गिलास जो है पानी के पीने हैं पूरे दिन में। अगर हम पानी पीने का सही तरीका सीख जाएंगे गाइस, तो हम बहुत सी बीमारियों से दूर रहेंगे हम। तो गाइस, मैंने आपको बोला था कि हम एंड में डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो गाइस वो यही बात है कि हमें जो है पानी सही तरीके से पीना है कि नहीं पीना है। अगर हमने पानी सही तरीके से नहीं पीना है, सही क्वांटिटी में नहीं पीना है, तो हम जो है डॉक्टरों के घर भरेंगे। ठीक है जी, खुद तो बीमार रहेंगे, डॉक्टरों के घर भरेंगे। ठीक है जी, अगर दूसरी तरफ हम जो है अभी से एक डिसाइड कर लें, एक डिसीजन ले लें कि नहीं, हमने जो है दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीने हैं और एक सही तरीके से पीने हैं, कब पीने हैं, तो हम जो है अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। तो अभी हमें डिसाइड करना है, हम सबको डिसाइड करना है गाइस कि हमने जो है स्वस्थ रहना है कि डॉक्टरों के घर भरने हैं। तो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट जरूर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस करें। तो गाइस, मैंने और भी बहुत सी वीडियोस डाली हैं स्किन से रिलेटेड, मेकअप की एंड हेयर स्टाइल्स की, वो भी आप देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।